मेरा ये चिकना चमकीला थोबड़ा दिखा रही हूँ मैंने आप सबको बहुत ही मिस करा तो इस बात पर एक जादू की छप्पी तो बनती है ना, तो इधर आइए इधर आइए जादू की छप्पी। एनीवे गाइस, आज है फ्राइडे और अभी आपकी सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले ओनली कोरियन फूड चैलेंज इन इरली। सो अभी मुझे इटली में लगभग 1 महीना हो गया है और मुझे कोरियन खाने की बहुत ही याद आ रही है, खासकर जो किमची होता है ना उसकी याद आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज के दिन ओनली कोरियन फूड खाऊं। सो ब्रेकफास्ट में मैं कोरियन कॉफी पीने वाली हूँ जो कि मैं कोरिया से लेके आई थी। लंच में मैं कोरियन रेस्टोरेंट जाऊंगी और डिनर में मैं शायद कोरियन खाना बनाऊंगी या फिर मेरी मम्मी जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती है वो कोरियन खाना बनाएगी। सो आई होप कि आप ये वीडियो एंजॉय कर सके एंड लेट्स स्टार्ट। सो इस थैली के अंदर रही कुछ कोरियन कॉफी जो कि मैं कोरिया से लेके आई थी, ये वाली। तो ब्रेकफास्ट में हम ये वाली पीते हैं, लेकिन ये कॉफी पीने से पहले मम्मी ने बोला कि उनको कुछ दूध चाहिए, अंडे चाहिए और कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो अभी हम मार्केट चलते हैं वो खरीदने के लिए। सो गाइज, ये रहा मेरा घर और वहाँ पर पीछे रहा सुपर मार्केट। लेट्स गो इन साइड। स्कूसा, I carrellini piccoli ci sono. Grazie. ये रही छाबड़ी। तो यहाँ पर है कॉर्नफ्लेक्स और अजय को सबसे पसंद है ये वाले, तो मैं उसके लिए ये वाले लेती हूँ। अभी हम दूध लेते हैं। ये रहा दूध, ये रहे इटालियन मुर्गी के अंडे। सो गाइस, अभी हमने हमारा सारा सामान खरीद लिया और अभी हम इसको पे करते हैं। Breakfast shopping is done. I'm back. सब लोग कहाँ पर चले गए, कोई भी नहीं है। कैमरा देखते ही सब लोग छुप जाते हैं। देखो देखो कैसे बंद कर रहे हैं कमरों में। सुनो, questi quelli che ti piacciono, vero? ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। अजय ने ऑनलाइन से पंखा मंगाया था तो अभी वो डिलीवर हो गया है घर पर। मोटरसाइकिल, मम्मी मोटरसाइकिल। अभी इटली में बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो यूजुअली इटली में लोग ऐसे वाले पंखे रखते हैं जो ऊपर वाले सीलिंग वाले पंखे नहीं होते। एनीवे गाइस, एज फॉर माय ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने बोला हम आज कोरियन खाना खाने वाले हैं, तो मैं कोरिया से ये वाली कॉफी लेके आई थी। तो ये वाली है मेरी फेवरेट कॉफी, तो मैं ब्रेकफास्ट में ये वाली पीने वाली हूँ और मम्मी के लिए मैं ये वाली बनाऊंगी। और अगर आप पूरी जी के सच्चे भक्त हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाती कॉफी के अलावा। सबसे पहले गर्म गर्म पानी करते। ओह, मम्मी ये रही आपकी कॉफी। कोरिया। अभी मम्मी यहाँ पर विंचेंसो देख रही है हिंदी में। कैसी है कोरिया की कॉफी? कोरिया की कॉफी है? हाँ, तुम? हाँ। पहली बार ऐसा बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी है ना? मम्मी बोलो गुड 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 पूनम गुड जो पूनम। मम्मी देखो विंचेंसो भी सेम ही कॉफी पी रहा है आपकी तरह। वो सेम सेम अच्छे है ना। कोरिया की बहुत ही चीज अच्छी आती है ना। हाँ। कॉफी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। आपको इंडियन ही कोरियन होना चाहिए था। थैंक यू। बेटी हो तो ऐसी कॉफी बनाने वाली। नहीं, कोरिया की कॉफी पिलाने वाली। हाँ, वही तो। मम्मी ने तो पूरी खत्म भी कर दी। इतनी टेस्टी थी मैं ऐसा गिलास 4 और भी पी लेती। मम्मी विंसेंट हैंडसम है ना। Two hours later. Ta-da! Guys, अभी मैंने मेरी जो फैशन है ना वो चेंज कर लिया। Let me show you. So, ये रही मेरी आज की फैशन। ब्लैक कलर का ब्लाउज और ये वाली पैंट। अभी आप सोच रहे हो कि दीदी आप इतने मस्त मस्त कपड़े पहनकर कितने जा रहे हो? तुम्हें बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। सो अभी मैं मेरे छोटे भाई के साथ अजय के साथ जाने वाली हूँ तोरिनो। और तोरिनो एक बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ से ट्रेन से 1 घंटा दूर है। और तोरिनो में बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स है, कोरियन कॉफी शॉप्स है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ लंच करने के लिए। इस बहाने मैं अजय को कुछ कोरियन खाना भी खिला दूंगी। और अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, उसको पढ़ाई करनी है। अबे हमें स्टेशन पर छोड़ के आएगा। बाय बाय। सो गाइस, ये रही ट्रेन स्टेशन और हमारी ट्रेन आने वाली 2 मिनट के बाद में यहाँ पर। मुझे लगता है ये फैमिली एयरपोर्ट जा रही है, इतने सारे लैगेज है इनके पास। ये रही हमारी ट्रेन।
Wow, gentleman. So guys, क्योंकि हम तुरीनो काफी जल्दी आ गए हैं तो अभी खाने का टाइम भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम जाने वाले एक बबल टी पीने के लिए। तो गाइज अभी हम फाइनली बबल टी स्टोर में आ चुके हैं और अभी यहाँ से यम्मी यम्मी ठंडा ठंडा बबल टी पीते हैं। Let's go inside. Io prenderei un milk tea. Sì. देखो मुझे कौन मिला यहाँ पे। ये वाला है बाथरूम और ये जो बाथरूम है ना बहुत ही क्यूट है। यहाँ पर मिरर पर लिखा हुआ है ओह यू लुक अमेजिंग। पर्पल कलर का स्ट्रो अजय ने ऑर्डर करी है। कुछ आई प्रेज़ो मैंगो लिमोन है मेरा। It's so yummy, guys. यहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं ना वो ड्रॉइंग छोड़ के चल जाते हैं। बबल टी खत्म हो गया और अभी गाइस हम कोरियन रेस्टोरेंट चलते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ से थोड़ा दूर है तो उसके लिए हमें बस लेनी पड़ेगी। ये रही हमारी बस। गाइज ये रहा वो रेस्टोरेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है सोनामू कोरियन रेस्टोरेंट। I'm so excited guys, इतने दिनों बाद में मैं कोरियन खाना खाने वाली हूँ तो अभी हम जल्दी से अंदर चलते हैं। थैंक यू। ये रहा यहाँ का मेन्यू। मैंने रियलाइज करा है कि जो भी सारा खाना है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अच्छा क्या ऑर्डर करा है? मंदू, चीज टोपोकी, टोपोकी एंड चटनी। अजय सोजू पिएगा? ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं कैसा है। सो हम सोजू भी लेने वाले हैं। 10 यूरो में कोरिया में आपको 5 बोतल सोजू की मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलेगी। सो यहाँ पर रही साइड डिशेज। यहाँ पर रहा किमची रेडिशेज और ये पता नहीं क्या है, पहली बार देख रही हूँ मैं। गो अजय सोजू। मीठा है या कड़वा है? मीठा है। मीठा है इसका मतलब आज दिन अच्छा जाएगा। तो कैसा लगा तुम्हें टेस्ट? मीठा था। इसका मतलब तुम्हारा आज का दिन अच्छा था। ये रहा अजय का चाजंगमियन। अब मैं भी चाजंगमियन ट्राई करती हूँ कि कैसे हैं। अभी बहुत सारे लोग आने लग गए हैं रेस्टोरेंट में। ये रही मंदू। अभी अजय पहली बार किमची ट्राई करेगा। कैसा लगा? अचार 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 जैसा है। इसके अंदर है चीज टपोकी चीज। इसके ऊपर हम मीट सेकने वाले हैं। गाइस अभी हमने खाना सारा खा लिया है और जो सोजू की बोतल है ना वो भी खत्म कर दी है और अभी हम बाहर चलते हैं। स्कूजा सही पर कैसे कर रहे हैं ना। अभी हमने पेट पूजा तो कर लिया लेकिन अभी अजय को कुछ कपड़े खरीदना है तो हम जाने वाले हैं H&M। सो ये रहा इटालियन H&M। वाह इटली का H&M तो काफी फैंसी लग रहा है। अजय ने ये अलग अलग पैंटे लिए और वो यहाँ पर उनको ट्राई करने जाएगा। मम्मी ने बोला था कि उनको भी कुछ कपड़े चाहिए तो मैंने उनके लिए कुछ रैंडम कपड़े लिए हैं तो आई होप कि उनको पसंद आएंगे। हमने ये वाले कपड़े खरीदे हैं मम्मी के लिए और अजय के लिए। ग्रैट्स है। सो गाइस अभी हमने वापस ट्रेन ले रही है और मैं मेरी स्पीच पर फोकस भी नहीं कर पा रही क्योंकि पीछे रहा है क्यूट सा बच्चा। एनीवे अभी हमने ट्रेन ले ली है और ये रहा हमारा सामान और अभी हम वापस घर पर जाने वाले हैं। मम्मी अभी सो रही है। उठ जाओ मम्मी 7 बज चुके हैं। ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? मम्मी ये कपड़े आपके लिए। सो गाइस अभी मैं नहाकर आ गई और मैंने मेरी जो नाइट सूट है ना वो भी पहन लिया है और गेस करिए कि अभी इटली में कितने बज चुके हैं। अभी इटली में रात हो चुकी है और रात के 9:30 बज चुके हैं, मतलब कि 9:30 बजे इतना उजाला रहता है इटली में। इट्स क्रेजी, आई डोंट नो, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। एनीवे अभी मुझे बहुत ही भूख लगी है तो अभी हम हमारा डिनर का इंतजाम करते हैं। सो गाइस डिनर के लिए हम खाने वाले हैं ये वाले नूडल्स जो कि मम्मी एशियन मार्केट से लेके आई थी और इनका फ्लेवर है श्रिम्प फ्लेवर। गरम गरम पानी और अभी हमें 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। और मम्मी ने यूट्यूब पर कोई कोरियन रेसिपी देखी थी तो अभी मम्मी कुछ कोरियन खाना बना रही है यहाँ पे। ये वाली है कोरियन स्टाइल सॉसेज और यहाँ पर मम्मी वेजिटेरियन बिबिम्बाप बना रही है। अभी हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं तो अभी इनको ट्राई करते हैं।
इनका टेस्ट सेम टू सेम कोरियन नूडल वाला जैसा ही है। गुड गुड गुड। अभी हम ये मीट वाली सॉसेज ट्राई करते हैं जो कि मम्मी ने बनाई है। गुड जॉब मम्मी। गुड जॉब मम्मी। मम्मी कभी कोरिया भी नहीं गई लेकिन फिर भी उनको कोरियन खाना बनाना आता है। ये रहा हमारा बिबिम्बाप तैयार। मम्मी बिबिम्बाप बहुत अच्छा बना। मम्मी ग्रेट्स इतना मस्त मस्त खाने के लिए। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये अजीब गरीब चैलेंज पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि जो भी कोरियन स्टाइल का खाना हो वो मैं खा सकूं और मम्मी ने भी मेरी थोड़ी मदद करी डिनर में खाना बनाने की, खाना खिलाने की। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद में वीडियो अपलोड करी हूं, लेकिन अब से पूनम को प्यार देना, खूब सारा लाइक करना और नहीं लाइक करना। मम्मी मैं ये सब नहीं बोलती, लाइक नहीं मैं बोलूंगी ना, ना, ना ऐसा नहीं बोलना। मैंने मेहनत की है मेरे लिए, प्लीज मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आई लव यू। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। बाय। आई लव यू मेरे बच्चों। मैं बोलता सारंगी नारंगी, सारंगी नारंगी। आई लव यू बच्चों। व्हाट अ सेकंड।